शिव की आराधना करी है। अगर भगवान नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ कराने वाले थे तो भगवान शिव ही, नहीं तो माता लक्ष्मी की माँ बहुत तेज थी ख्याति बाई, क्या नाम था, ख्याति, ख्याति बाई, माता लक्ष्मी की माँ का नाम था ख्याति। और ख्याति बाई इतनी तेज थी कि वो किसी हालत में भगवान नारायण के साथ विवाह करने को तैयार नहीं थी, किसी हालत में। ख्याति बाई अगर किसी को स्नेहवश देखती थी तो वो केवल एक भोलेनाथ जी को कि विवाह करूंगी मेरी छोरी लक्ष्मी का तो शंकर जी के साथ करूंगी। पर भोलेनाथ जी ने आकर निवेदन करा ख्याति बाई से, ख्याति सुनो आपसे निवेदन है। अच्छा ख्याति तो ख्याति, पर ख्याति के जो दो बेटे थे ना वो भी बड़े विचित्र थे, लक्ष्मी जी के दोनों भाई बड़े विचित्र थे, वो भी बहुत प्रबल थे, वो भी नहीं चाहते थे कि नारायण के साथ। लक्ष्मी जी के भाई का नाम क्या था, दाता और विधाता, जम के बोलो क्या नाम था, दाता और विधाता, ये लक्ष्मी जी के सगे भाई थे दोनों। तो ख्याति भाई अगर राजी हो तो दाता राजी नहीं, और दाता राजी हो तो विधाता राजी नहीं, बड़ी आपदा। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा ख्याति को, ख्याति मेरा आपसे निवेदन है, आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ कर। ख्याति बोली कि मैं और नारायण के साथ विवाह करूं, नारायण के साथ विवाह नहीं करती, मैं तो आपके साथ करूं। भगवान शिव ने बारंबार ख्याति को समझाया, बारंबार, हर बार विनती करके आ। और जब ख्याति और लक्ष्मी जी के भाई दाता और विधाता नहीं माने, तब ख्याति के पति भृगु के पास में भगवान शंकर गए, लक्ष्मी जी के पिताजी के पास। क्या नाम था उनके पिता का, बोलो जम के, भृगु। और भृगु ऋषि के पास में जाकर कहा, भृगु बाबा आपसे निवेदन है, आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ में कर दो। तब विनती करी, बारंबार विनती करी, तब भृगु ऋषि ने पक्का करा विवाह शिव जी के कहने पर। तब जाकर नारायण जी का विवाह लक्ष्मी के साथ में समुद्र के तट पर भगवान शंकर ने जाकर हथलेवा कराकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंगल विवाह करा।